जीरो से 60 5 सेकंड में पहुंचती है भाई, इस चीज़ का सबको इंतज़ार था। और 0 से 60 5 सेकंड में, और टॉप स्पीड इसकी 132 है। सिटी माइलेज इसकी तकरीबन सब बताते हैं 38 की है, और हाईवे पे माइलेज इसकी 52 की है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मेरे को ये 52 55 ये दे देती है। वेलकम बैक टू द चैनल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपके सामने खड़ी है R15 वर्जन 2 2014 मॉडल, और इस बाइक को आपने मेरी कई वीडियोस में भी देखा होगा। ये बाइक मेरे पास तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, तो बहुत दिन से प्रोग्राम था, बहुत दिन से प्लान था कि इसका 10 साल का रिव्यू दिया जाए, कि कैसा ओनरशिप रिव्यू है और इस बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि जो नई वाली R15 आ रही है उसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है। ये यामा ने जब एकदम सेकंड मॉडल जब लॉन्च किया, एकदम बूस्टअप हुआ था मार्केट में और इसने बहुत धूम मचाई थी। तो आइए इसके बारे में आपको बताते हैं भाई। इसको इसका डिजिटल क्लस्टर आता था उस टाइम पे 2013-14 में, इसमें आपको इंडिकेटर शो हो जाता है, हेडलाइट, और यहाँ पे आपको डिपर मिल जाता है, लो बिम हाई बिम मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाते हैं, हाई लो लाइट मिल जाती है, सेल्फ मिल जाता है, और ये हॉर्न मिल जाता है बेसिक, और ये इसका स्विच आता था पहले ऐसे इस टाइप का। मेरी बाइक तकरीबन चल चुकी है 35584, जिसमें इसका कुछ समय मीटर ख़राब रहा है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन 50,000 किलोमीटर बाइक चल चुकी है। इसमें टायर दूसरी बार डले हैं, पहली बार कंपनी से आए थे, दूसरी बार मैंने डलवाए हैं। इसमें टायर डला हुआ है, पहले मैंने MRF डलवाया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो पहला टायर इसका MRF का ही है, और इसका MRF में 190/17 का टायर है, और पीछे जो C8 है, C8 के टायर का रिव्यू बहुत अच्छा था। इसका जो पीछे का टायर होता है वो टायर MRF का जो होता है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो ये मैंने C8 का टायर डलवाया था, और ये 140/70/17 है। इसका रिव्यू बहुत अच्छा है, ना स्किट खाता है ना कुछ, और घिसता भी कम है। हालांकि अब टायर बहुत पुराना हो चुके हैं दोनों, ये गाड़ी टायर मांग रही है, और 10 साल हो चुके हैं तो ये इंडिकेटर वगैरह लूज़ होने लाजमी है। आपको अब इसका साउंड नोट सुनाते हैं, मेरे को बड़ा प्यारा सा लगता है, मतलब बेसिक सा साउंड है, हल्का सा लंबा सेल्फ लिया है इसने, बहुत ही प्यारा। और बाइक में ना वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है, वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं है। 10 साल में मैंने इसको काफ़ी जगह पे रन किया है, ऑफ रोड में भी है, पानी में भी घुसाया है, बहुत अच्छा रिव्यू रहा है, कभी भी मेरे को निराशा हाथ नहीं लगी, और कहीं भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि ये पानी में बंद हुई है। इसको थोड़ा इग्नोर करना है, कल गिर गई थी, और अभी तक इसके साथ मेरा बहुत अच्छा रिव्यू रहा है, और मैं आगे भी देख चाहता हूँ कि मैं आगे या मैं ही ख़रीदूँ। अच्छा, इसके अंदर हमको मीटर में क्या मिल जाता है? इसके अंदर हमको मीटर में इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाता है, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ऑडियो, डिजिटल फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल गेज, और लो फ्यूल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, ये सब हमको इसके अंदर मिल जाते थे 2013 में। और इसकी डाइमेंशंस के बारे में बात करें तो 1970 और 670 1070 लेंथ है इसकी 1970, और विड्थ है इसकी 670, और हाइट है इसकी 1070। हाइट ही है जो पीछे वाली सीट की, इसको अगर सीधा करेंगे तो ये काफ़ी हाइट है इसकी। इंजन 150 cc में आता है, ट्रांसमिशन इसके 6-speed गियर बॉक्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, जो वाइब्रेशन होती ही नहीं है, और 17 PS का इसमें मैक्सिमम पावर मिलता है। फ्यूल टैंक 12 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। माइलेज ओवरऑल मेरे को तो ये 55-50 की देती है अगर मैं स्लो चलाता हूँ, और इसका वेट तकरीबन 136 किलो के समथिंग है,
दो आदमी इसमें आराम से बैठ सकते हैं, तीसरा इसमें बैठेगा तो ये जो कावल है ना इसके, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। ये इसमें मैंने है ना इसमें पत्ती लगवाई हुई है, क्योंकि मैं परेशान हो चुका था इनको बदलवा बदलवा के। और फ्यूल इंजेक्शन के साथ आती है, इंडक्शन टाइप टीसीआई है, क्लच टाइप वेट मल्टीप्लेट क्लच आती है इसके अंदर, जो ऑयल में डूबी रहती है और कई सारी प्लेट रहती हैं उसके अंदर, और ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। भी डेल्टा बॉक्स आता है, चेचिस टाइप डेल्टा बॉक्स है, और फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, इसके सस्पेंशन भी बहुत प्यारे हैं। लेकिन इस बाइक में ना मेरे को एक कमी लगी, इस बाइक में ना कौन सेट हैंडल का कौन सेट बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी लूज़ होता है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, उसको बार बार टाइट करवाओ तो ख़राब हो जाता है। और इसके अंदर जो रियर सस्पेंशन आता है वो आता है मोनोस्कोप, और ब्रेकिंग जो डिस्क ब्रेक आती है 267 की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, और रियर डिस्क ब्रेक आती है इसकी 220 की, बहुत ही अच्छी है। हेलोजन लाइट के साथ आता है भाई ये, इसमें दो हेलोजन बल्ब मिलते हैं, और बहुत अच्छा वो है इसका लाइट का ना, बहुत अच्छा है। और 0 से 60 5 सेकंड में पहुंचती है भाई, इस चीज़ का सबको इंतज़ार था, और 0 से 60 5 सेकंड में। और टॉप स्पीड इसकी 132 है, सिटी माइलेज इसकी तकरीबन तकरीबन सब बताते हैं 38 की है, और हाईवे पे माइलेज इसकी 52 की है, जो कि कंपनी क्लेम करती है, लेकिन मेरे को ये 52-55 ये दे देती है। और ये एक स्पार्क प्लग के साथ आती है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, 150 cc का, मैक्सिमम पावर इसकी 15, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, 6 गियर ट्रांसमिशन, और पेट्रोल में आती है। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, जो मैंने 10 साल में एक्सपीरियंस किया है इसको, ये सब तो नेट पे इंफॉर्मेशन मिल ही जाएंगी जो भी मैंने अभी आपको बताया। मैंने कई बार इसको, जैसे कि मेरे पास गाड़ी है तो मैं इसको 6-6 महीने नहीं चला पाता था, तो उस 6 महीने के दौरान अगर मैं 6 महीने के बाद इसमें सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाती थी, जैसे और बाइकें प्रॉब्लम कर देती हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। यामा का इंजन टचवुड बहुत अच्छा है, इसको चलाने के बाद मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मेरी नेक्स्ट बाइक भी मे बी यामा ही होगी। यामा से नीचे क्लास की बाइक की हैबिट बची नहीं है, और मैं इसको जैसे सर्विस भी बहुत बेसिक सी सर्विस है इसकी, एजेंसी वालों की सर्विस तो थोड़ी सी महंगी पड़ती है, अदरवाइज़ आपको बाहर इजीली इसकी सर्विस हो जाएगी, बेसिक सर्विस है, इतना कोई खर्चा नहीं है, लो मेंटेनेंस बाइक है, हवा पूरी और जेब पे कोई लोड नहीं, खर्चा स्प्लेंडर सा है, क्योंकि आज के टाइम में BS6 वाली स्प्लेंडर 50-60 तक की ही एवरेज देती है, ये मेरे को अभी तक दे रही है। अब इसके 5 साल दिल्ली NCR में बचे हुए हैं, 15 साल की इसकी एज लिमिट के साथ आती है, 5 साल इसको फुल एंजॉय करेंगे, अभी इसको बेचने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि बाइक इतनी प्यारी। इस बाइक को मेरे घर में आए हुए 10 साल हो चुके हैं, 2014 में लेके आया था मैं इस बाइक को, और 1 जनवरी 2014 की परचेज है, अभी तक 10 सालों में ये कहीं ब्रेक डाउन नहीं हुई है, लो मेंटेनेंस है, बढ़िया एफिशिएंसी है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको 3 या 4 महीने अगर नहीं चला पाते, राइड नहीं कर पाते, तो आप इसको खड़ा रखेंगे, सिंगल सेल्फ में स्टार्ट होगी। और 10 साल का ओनरशिप रिव्यू की वीडियो आपको मिली जाएगी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन पीस।